हमेशा सुने अपने दिल की। मैं ये नहीं कहती कि बड़ों को अनसुना करें, पर याद रखिए कभी कभी बड़े भी गलतियां करते हैं जो आप में इम्प्लाइड पोटेंशियल को नहीं देख पाते। हेलो, माय नेम इज़ सुब्लक्ष्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज का टॉपिक मैं स्पेशली मदर्स के लिए लाई हूँ। आज के मदर्स जनरली कंसर्न रहती हैं अपने बच्चों को अर्ली स्टेज में लिखना कैसे सिखाएं। आई हैव ब्रॉट दैट सॉल्यूशन। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सडनली अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाने लगते हैं। अब सपोज़ कीजिए जो बच्चे सीरियल का एक दाना नहीं खा पाता, और अगर हम उसे कहें कि बेटा पूरा प्लेट फिनिश कीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो हमें सबसे पहले बच्चों को लाइन ड्रॉ करने सिखाना होगा। तो लाइन के कुछ वैराइटीज़ होते हैं, मैं आपको वन बाय वन उन सभी लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे डॉट्स बनाकर अपने बच्चों को देंगे, ये मैं बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइन के कितने सारे वैराइटीज़ होते हैं। लाइन के चार वैराइटीज़ होते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व्ड लाइन। स्लैंटिंग लाइन के भी दो वैराइटीज़ होते हैं, एक लेफ़्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ़्ट। कर्व्ड लाइन भी दो तरह के होते हैं, ये और ऐसे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक फोर लाइनर कॉपी लेंगे, जिसे हम इंग्लिश कॉपी भी कहते हैं, इस तरह के। अब हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन के लिए डॉट्स बनाएंगे। इसके लिए हम कॉपी के तीन लाइन को यूज़ करेंगे, पहला रेड लाइन से लेकर नीचे के दो लाइन तक, ऐसे इस तरह से डॉट्स बनाएंगे। ये है स्टैंडिंग लाइन के लिए डॉट्स। अब इसे कैसे बच्चों को मैच करना है ये हम बताएंगे, ऐसे। अब हम स्लिपिंग लाइन के लिए डॉट्स बनाएंगे। उसके लिए हम थर्ड लाइन को यूज़ करेंगे, ऐसे। अब बच्चों को कहेंगे इसे इस तरह से मैच करें। बच्चों को लाइन खींचना, लाइन ड्रॉ करना या लाइन डॉट से डॉट मैच करना बहुत अम्यूजिंग लगता है, तो ये काम वे उन्हें बहुत मज़े से करेंगे। थर्ड नंबर में हम स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम राइट से लेफ्ट जो लाइन, जो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ किया जाता है वो सबसे पहले सिखाएंगे। इसके लिए इस तरह से हम डॉट्स बनाएंगे, ऐसे। फिर हम लेफ्ट से राइट वाले स्लैंटिंग लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस तरह से डॉट्स बनाएंगे। तो ये थे स्लैंटिंग लाइन। अब कर्व लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे। कर्व लाइन बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये सेमी सर्कल शेप में होता है, तो जिसकी वजह से वे थोड़ा इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। कर्व लाइन के लिए भी हम तीन लाइन को चूज़ करेंगे। इसके डॉट्स भी हम स्टैंडिंग लाइन जैसा ही ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, लेकिन हम उसे मैच करने के लिए सेमी सर्कल बनाने के लिए सिखाएंगे, इस तरह से। तो ये थे कर्व लाइन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बच्चों को हम लाइन ड्रॉ करना कैसे सिखाएंगे। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन में कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, हमें सिखाने के लिए प्रैक्टिस करते रहना होगा और कराते रहना होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।